मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जयंती के अवसर पर श्री राम शोभा यात्रा समिति द्वारा आयोजित और विधायक नरेंद्र पुंडेकर द्वारा प्रायोजित श्री राम जन्मोत्सव का शुभारंभ शनिवार शाम को माधव नगर रेलवे ग्राउंड खात रोड पर भव्य दिव्य रूप से हुआ। गायिका अभिलिप्सा पांडा के हर हर शंभू गीत पर भंडारावासी झूम उठे। अध्यक्षीय भाषण में पुंडेकर ने कहा कि यह आयोजन सर्वधर्म एकता का संदेश देगा। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने किया, जबकि मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, नगर परिषद प्रशासक विनोद जाधव की उपस्थिति में कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक नरेंद्र पुंडेकर ने की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने इस आयोजन को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का बताया। एसपी लोहित मतानी ने ऐसे कार्यक्रमों से सामाजिक सौहार्दता बढ़ाने के लिए आयोजकों का स्वागत किया। अविस्मरणीय संध्या का आरंभ शिव विवाह समारोह से हुआ। प्रभु शिव की बारात में दर्शक जमकर झूमे। वरमाला मंचन ने सभी का दिल जीत लिया। शिव विवाह के बाद सिंगर अभिलिप्सा पांडा के ग्रुप ने देवा श्री गणेशा से संगीत संध्या का आरंभ किया। उन्होंने एक से बढ़कर एक महाकाल और श्री राम गीत प्रस्तुत किए। जैसे जैसे शाम चढ़ती गई, भक्तों पर महाकाल और श्री राम गीतों का जादू चढ़ता गया। अभिलिप्सा पांडा ने प्रभु श्री कृष्ण के साथ भगवान शिव के भजनों की ऐसी जुगलबंदी बनाई कि लोगों की सांसें थमी सी रह गई। हर हर शंभू गीत पर तो भंडारावासी झूम उठे। दर्शकों की मांग पर इस प्रस्तुति को एक बार फिर दोहराया। एक के बाद एक शिव की प्रस्तुति पर उन्होंने ऐसा समा बांधा कि लोग पांडा के स्वर के साथ स्वर मिलाने लगे। विधायक नरेंद्र भोंडेकर और जैकी रावलानी ने कहा कि प्रभु श्री राम की इच्छा से यह संभव हो पाया कि ऐसे कलाकार भंडारा शहर में आ सके।